हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट बेसन, जिसे हम ऑनियन बेसन भी कह सकते हैं, जिसे हम पिठला भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, जिसे हम ग्राम फ्लावर भी बोलते हैं, ऑयल, क्वार्टर स्पून ऑफ एसेफोटिडा और हींग, मस्टर्ड सीड, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन सीड, ग्रीन चिली, ऑनियन, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, गार्लिक। हम इसे एक या दो लोगों के लिए बना रहे हैं, तो मैंने लिया है 3 to 4 ग्रीन चिली, 1 स्मॉल ऑनियन, 4 to 5 गार्लिक क्लोव एंड एक बाउल से भी ज़्यादा, एक बाउल से भी कम मैंने ग्राम फ्लोर लिया है। अब हमने तवा को गैस के ऊपर रख दिया है। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे। मुझे ज़्यादा ऑयल पसंद है, इसीलिए मैंने 2 to 3 स्पून ऑयल डाला है। तब तक हम बेसन को एक बाउल में लेके पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। ध्यान रखिए इसमें लम्स ना रहे। हम और पानी ऐड करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी पतली होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली है, जैसे हमें चाहिए। अभी हम इसमें मस्टर्ड सीड डालेंगे। क्यूमिन सीड, गार्लिक, गार्लिक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसे चलाते रहे। जिससे गार्लिक ऑयल में अपना स्वाद छोड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं गार्लिक गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, ऑनियन, हम ऑनियन को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अभी इसमें एसेफोटिडा डालेंगे, हींग, आप देख रहे हैं ऑनियन गोल्डन ब्राउन कलर अपना छोड़ चुका है।
टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे। इसमें हम पिंच ऑफ नमक डालेंगे, ऑनियन और हरी मिर्च में अपना स्वाद बरकरार रखने के लिए हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। अभी जो हमने घोल बनाया है ग्राम फ्लोर का वो डालेंगे और इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। इसमें कोरिएंडर लीव्स भी डाल देंगे। अगर हमें इसकी कंसिस्टेंसी ठीक लग रही हो तो पानी ऐड कर सकते हैं। और स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले पिंच पर ऑलरेडी डाल दिया था। इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत खूबसूरत कलर आ गया है। इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहे मीडियम फ्लेम पे। अभी हम इसको ढक देंगे। मेक श्योर जो भी आप लीड रख रहे हो वो कंप्लीटली कवर करें ताकि हमारा बेसन अच्छे से पके। अब हम इसे 5 टू 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स हम इसकी लीड उठा के देख लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी बहुत सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है और ये दिखने में भी अच्छा दिख रहा है और उसने अपना तेल छोड़ दिया है तो दैट मीन्स ये पक गया है। फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट कुकिंग वीडियो है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और आप इसे भाकरी चपाती और राइस के साथ भी खा सकते हैं। अभी हमारा बेसन पक गया है। फ्रेंड्स हमारा बेसन रेडी है। प्लीज आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और ये इंस्टेंट रेसिपी है। प्लीज आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।